सरकार ने गेहूं की फसल को लेकर अनाज मंडी में पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। वहीं मथुरा के कोसीकला में किसानों ने तुलाई में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दरअसल नवीन अनाज मंडी आए किसानों ने तुलाई सेंटर पर आरोप लगाया है। किसानों ने बताया कि वह गेहूं लेकर कोसीकला अनाज मंडी पर आए हैं, लेकिन यहां पर तोल में 1 किलो गेहूं ज्यादा लिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा 1 क्विंटल पर 20 रूपए तुलाई खर्च तय किया गया है, लेकिन यहां सेंटरों पर 40 रूपए लिए जा रहे हैं। जिसके बाद तोल सेंटर पर किसानों ने एकत्रित होकर मंडी सचिव से शिकायत की तो उन्होंने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। समस्या ये है कि एक कट्टा पे आधी किलो फालतू तोल रहे हैं जी गेहूँ, और 1 क्विंटल पे ले रहे हैं 40 रूपए खर्चा, जबकि गवर्नमेंट ने बताया की 20 रूपए खर्चा लेना है, 40 रुपए खर्चा ले रहे हैं। अच्छा, तो आप जो है आए, आपने शिकायत मंडी सचिव से की इस बात को लेकर? अब हमने उनको बुलाए, अभी अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं। तो आपने इससे पहले स्लिप पर्ची वगैरह बनवाई थी अपने गेहूँ तोलने की? हाँ, मैं धर्मकांटे पे तोल करा के लाया था। अच्छा, कितना बैठा था? धर्मकांटे पे तोल में दोनों पर्चियों के भी टोटल लगा के दे देता हूँ, उसमें 130 किलो का फर्क आ रहा है मेरा। 130 किलो का? 85 क्विंटल पे आया था इतना। तो यहाँ जो आधी किलो जो फालतू ले रहे हैं आपसे, 1 किलो कितना फालतू ले रहे हैं आपसे? 1 क्विंटल पे 1 किलो। 1 क्विंटल 1 किलो फालतू ले रहे हैं जी। आपको क्या दिक्कत आ रही है? अब यही है सर, किसान का मेहनत का फसल उगाते हैं मेहनत से, और ये एक्स्ट्रा तोल कर रहे हैं 1 किलो और 40 रुपए पर क्विंटल खर्चा ले रहे हैं, जबकि सरकार 20 रुपए क्विंटल के हिसाब से लेना चाहिए, सरकार ने जो निर्धारित किया हुआ है।